जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। अपने परिचय में वे कहते हैं, मैं हिंदू नहीं क्योंकि मेरे सिर पर चोटी नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं, मैं उस परंपरा में जन्मा नहीं, मैं जन्मना मानव हूं, अपने आप को जीतने का यत्न करता हूं, इसीलिए जैन हूं। धर्म को प्रायोगिक और वैज्ञानिक परिवेश में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, धर्म वही है जो जीवन में संशोधन और ऊर्ध्वगमन का निमित्त बने। जाति, धर्म, प्रांत, वर्ण, वर्ग आदि से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र को उन्होंने संयम की ओर प्रेरित किया। संयम ही जीवन है, इस घोष के साथ उन्होंने मनुष्य जीवन की आचार संहिता प्रस्तुत की। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हेतु एक पथ प्रदान किया। प्रस्तुत है संयम पथ। पर धर्म की, अध्यात्म की जितनी चर्चाएं थी वो सब व्यक्तिनिष्ठ थी। धर्म व्यक्तिगत है, अध्यात्म व्यक्तिगत है। और ये कहा जाता धर्म करना है तो चले जाओ गुफा में, जंगल में, एकांत स्थल में, हमारी तीर्थन कॉलोनी। एक रास्ता दिखलाया कि धर्म व्यक्तिनिष्ठ है ही, समाज में भी किया जा सकता है, धर्म संघनिष्ठ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जैसी साधना करता है, हजारों हजारों व्यक्ति मिल के भी वैसी साधना कर सकते हैं। धर्म संघ की स्थापना कर दी, समाज की स्थापना की गई। क्यों की गई? अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, शांत जीवन जीने के लिए। अगर ऐसा होता कि समाज बनना ही खतरनाक है तो शायद और कुछ होता जा सकता था। आज तो ऐसा लगता है कि मनुष्य समाज से बिछड़ के अकेला हो रहा है, परिवार से बिछड़ के अकेला हो रहा है। जितने बड़े बड़े परिवार थे सब बिछड़ गए हैं, बस बला फ्लाट में दो व्यक्ति रहेंगे, पति पत्नी, श्रीमान श्रीमती। सब प्रकार की कठिनाइयां, कोई संभालने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, समय पर कोई वैसी वैसी भाग दे, कोई संभालने वाला नहीं है। फिर भी मनुष्य समाज से कट के एकला होने चले जा रहा है। ये उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है, किंतु हमें इस बात को कभी ना भूलें, भले व्यक्ति हो भले समाज हो, जब तक अहिंसा जैसा तत्व जीवन में नहीं आएगा तो ना व्यक्ति सुखी होगा ना समाज सुखी होगा। सुख शांति हिंसा से मिल नहीं सकती। अब तक इस दुनिया में जितने महान पुरुष बने हैं, महत्ता जिन जिन लोगों ने प्राप्त की है, ये सब किस पुरुषार्थी हुए हैं, उद्योगी हुए हैं।
भगवान करेंगे, भाग्य से मिलेगा, देवता दे देंगे, हनुमान जी हमें बख्श दे देंगे, भिक्षु बाबा दे देंगे, एक ही बात है। इस तरह से औरों को ढूंढते रहते हैं, औरों के भरोसे अपना जीवन चलाते रहते हैं। ये महापुरुष नहीं, कापुरुष होते हैं, कापुरुष छोटे आदमी हैं। दैवम विहाय कु पुरुष महत्म शक्ति हा, अरे छोड़ो इस देव को, भाग्य को पुरुषार्थ करो, नहीं मिला तो फिर चिंता क्या है, धोखा नहीं। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद में नहीं मिला, कोई धोखा नहीं। क्या संसार में सबको सब चीजें मिल जाती है? हम क्यों मान लेते हैं कि सारी की सारी चीजें हमको मिल जाए? हमारा काम हमें करना चाहिए। मैं तो बहुत एक बात क्या कहता हूं कि भाई हम अपना काम करें, हम अपना अपना काम करें। सर्दी बहुत पड़ती है तो मैं कहता हूं प्रकृति अपना काम कर रही है, सर्दी समय पर आके रहती है। हम इतने निकम्मे अपना काम भूल जाएंगे, गर्मी पड़ती है लू चलती है, प्रकृति अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रही है। बरसात आती है, प्रकृति अपना काम कर रही है। मच्छर पैदा होते हैं, कीड़ियां पैदा हो गई है, सब प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति अपने काम को कभी नहीं भूलती, तो हम अपने काम को क्यों भूलें? इस सिद्धांत को अगर हम लेके चलें, मेरा विश्वास है कि आदमी बड़ा सुखी हो जाएगा। वर्तमान के धर्मों ने लाभ की जगह कहीं अलाभ किया है, तो एक ही बात से कि धार्मिक लोगों को कायर कमजोर दुर्बल बना दिया, दुर्बल बना दिया। भगवान ठीक करेंगे। धर्म का सिद्धांत किसी के भरोसे बैठे रहना है ही नहीं। धर्म का सिद्धांत यह है कि तुम प्रतिपल प्रतिक्षण जागरूक रहो, अप्रमाद रहो, करते रहो। जो सिद्धांत, जो धर्म व्यक्ति को वर्तमान में सही जीवन जीना नहीं सिखाता और परलोक के मोहरों के धार दिखलाता रहता है, वो धर्म किसी काम का नहीं, अधूरा है। मुझे तो वही धर्म सबसे पहला लगता है जो हाजर नाजर पर चले, इसाद लो इसाद लो, करोड़ भरो। आप कहिए कैसे होगा, धर्म तो कभी किया मिला, कभी कभी मिलने की बात आप छोड़ दो। जब भी धर्म को तभी आपको मिलेगा। धर्म के दो फल, एक फल है एक एकदम तत्काल मिलने वाला नैसर्गिक, एक फल है प्रासंगिक। प्रासंगिक फल प्रसंग आने से मिलेगा, नैसर्गिक फल तत्काल मिलेगा। आप संत दर्शन करने आए, संत दर्शन करने आए बैठे और आपको इतना आनंद मिला, वो तो प्रोत हो गए, रूम में खिल गए। ये धर्म का तत्काल फल है। प्रासंगिक फल आए, आप गए, पांच दिन के बाद में आपकी तरक्की हो गई, आप देखो देखो गुरु दर्शन करने गए थे, हमको फल मिल गया। तरक्की होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं कि वो हो भी सकता है। उस तरक्की को ही धर्म का फल मान लेना मेरे दृष्टि में सही नहीं है। धर्म का फल सही यही है कि आपको देखती शांति मिली, आनंद मिला, रूम खिल गया, सब दुखों को भूल गए, सबको भूल गए। ये धर्म का प्रासंगिक एकदम तात्कालिक फल है। लोग तात्कालिक फल को नहीं देखते हैं, प्रासंगिक फल को ज्यादा देखते हैं। ये धार्मिकों की बड़ी भूल है। ये होती क्यों आप जानते हो, सब आदमी समान तो होते नहीं, हर आदमी का प्रलोभन चाहिए। तो धर्म वास्तव में धर्म क्या सिखाता है, अपने को श्रमिक बनाना सिखाता है। श्रमिक बनाओ, श्रम करो, श्रम करो। मुझे इन्होंने कहा श्रमिक, मुझे बहुत प्रसन्नता होती,
मुझे कोई श्रमिक बताए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं कहता हूँ सबके सब हम श्रमिक हैं, हमारे जितने साधु साधु हैं सबके सब श्रमिक हैं। आचार्य श्रमिक नहीं है, अमीर बन के बैठ जाएगा तो फिर तो लोल बल हो जाएगी। न निठल्ले बेचना और न किसी को निठल्ले बेचने देना, नहीं बिल्कुल नहीं। बड़ा अधिकारी व्यक्ति, विशिष्ट अधिकारी व्यक्ति, वो अगर पूरे टाइम से रहेगा, पूरा श्रम करेगा, तो जितने नीचे के अधिकारी वो सब सोचते रहेंगे भाई उसके लिए, यह कहीं नहीं, ध्यान रखो पूरा रखो। और वो अगर ऊँगता है तो सब ऊँगेंगे। श्रम पुरुषार्थ, मुझे लगता है कि ये जो आज के युग में हमने वो तीन बातें अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, ये तीन बातें त्रिवेणी के रूप में हमने दी है। मैं नहीं समझता कितना लोग इसका अंकन करेंगे, करते हैं, करेंगे, कब करेंगे, इसकी हमको चिंता नहीं। कोई करे न करे कोई चिंता नहीं, सही वस्तु सही रहेगी, अंकन करे न करे। विद्वानों की जिस देश में कीमत नहीं होती तो विद्वानों की कीमत नहीं करती, वह कीमत अंकन वालों की घटती है। विद्वान विद्वान है, सही बात यह है। इसलिए कोई अंकन करे इसकी चिंता नहीं। तीन बातें क्यों, क्या है मुख्य बात क्या है कि मैं समझ आज के देश के लिए, आज के मनुष्य के लिए अत्यंत अपेक्षित है। पहली बात, आज के युग में मनुष्य को कैसा बनना है, कैसा मनुष्य बनना है, यूरोपियन बनना है, इंडियन बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, या और कुछ अधिकारी बनना है, कुछ नहीं बनना है। आदमी को आदमी बनना है, मनुष्य को सही मनुष्य बनना है। सबसे पहली बात यह है, आदमी आदमी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस कथा अनुप्रत मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, अगर मनुष्य को मनुष्य बन के जीना है तो उसको अनुप्रति बनना ही पड़ेगा। अनुप्रत शब्द को कोई काम में लेने ले, मुझे कोई चिंता की बात नहीं, आदर्श पर चलना पड़ेगा। अनुप्रत की आवाज है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, एक पद इसका हम संगान कर देते हैं, संगान, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयम मय जी नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन, संयम मय संयममय। अणुव्रत का घोष है कि व्यक्ति सुधरे। आप कहेंगे व्यक्ति कैसे सुधरे, सब लोग खराब है, मैं अकेला कैसे सुधरूं, सब लोग मरे तू भी मरेगा, सब लोग क्यों मरेगा तू भी क्यों मरेगा क्या, बिल्कुल नहीं। याद रखिए आप अकेले हो, अकेले नहीं रहोगे, इतना काम आपके साथ हो जाएगा जिसकी सीमा नहीं रहेगी। और ये चिंता करते हो आप तो मैं अकेला हूं, ये चिंता कौन करता है, शेर कभी चिंता करता है, शेर मैं अकेला हूं, असहाय हूं, मैं दुबला पतला हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई साथी नहीं है, ऐसी चिंता शेर को कभी स्वप्न में सताती है क्या, नहीं सताती। आदमी का गिद्ध क्यों बन गया, गिद्ध क्यों बन गया, शेर बन के चलना चाहिए। शेर बन के चलेंगे तो शेरों का ईश्वरों का एक कारवा खड़ा हो जाएगा और गिरों का साथ कोई नहीं देगा। इस दृष्टि से सबसे पहली बात तो ये करना है, आज के युग में अकेला भी चले कोई, मार्ग सही हो
गति सही हो, लक्ष्य सही हो, चिंतन सही हो, फिर कोई डर की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप अकेला क्यों महसूस करते हैं? जो आपके पास में अमोघ समाधान है, अमोघ समाधान, जो समाधान कभी असफल हो ही नहीं सकता, सफल समाधान, वो क्या? अणुव्रत। अणुव्रत आपके साथ में है, अणुव्रत, अणु छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे इसलिए कि बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े काम बड़े बड़े आदमी करते हैं, हम तो छोटे छोटे आदमी हैं, छोटी छोटी बातें करें, छोटी छोटी काम करें, जो हमने नाम रखा अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत। श्रीमन नारायण अग्रवाल पहली बार जब हमसे मिले, बहुत श्रीम आदमी थे, उन्होंने कहा आचार्य जी मैं तो सिर्फ अणुव्रत शब्द से प्रभावित होकर आपके पास में आया हूँ, कि हमारे देश के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप अणुव्रत, अणुव्रत नाम इतना सुंदर, अणुव्रत छोटा व्रत, इसलिए मैं आपका भक्त बन गया हूँ। लगने कितने लोग अणु शब्द से प्रभावित हुए हैं, इसलिए अणुव्रत आपके साथ में है, अमोघ औषध, अमोघ समाधान है। पर डर क्या है? छोटी सी एक कहानी, एक व्यक्ति एक सेठ से सुना कि संत आए हैं, संत दर्शन के लिए चला। उसके घर पर एक सुअर तोता पाला हुआ था पिंजरे में, वो मनुष्य की भाषा बोलता था, समझता था, पढ़ा हुआ था। उसने कहा सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? संत दर्शन के लिए। क्या करोगे? कोई शिक्षा, अमोघ शिक्षा प्राप्त करूंगा वहां। उसने कहा शेठ साहब मैं तो पिंजरे का पंछी हूं, मैं जा नहीं सकता, बंधन में बंधा हुआ हूं, एक काम आप मेरा कर दें, मेरे बारे में एक संत से सलाह पूछ जाइए कि बंधन मुक्ति का रास्ता क्या है। शेठ समझे नहीं, बंधन से छूटने का रास्ता क्या है? शेठ ने कहा भाई तुम्हारा सेवक है, तेरा काम अवश्य करूंगा, मैं अवश्य करूंगा, और मुनि से पूछ के आऊंगा। वो गया, संत के व्याख्यान सुने, आपकी सभा जुड़ी हुई थी, प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद में बोला महाराज एक मेरे घर में सुआ तोता रहता है, बड़ा भक्त है, उसने एक प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? कि बंधन मुक्ति का रास्ता क्या है? कहते संत बोले तो नहीं, गिर पड़े संत। इसने सोचा कि क्या होगा, कोई दौरा आ गया इनको, फिट आ गई, क्या होगा, ये थक गए सो गए। इसने सोचा आज तो कोई जवाब देंगे नहीं, उठ के आ गया। शीत आ गया, तोते से बोला तोता भैया तेरा जवाब तो आज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या हुआ? कि मैंने संत से पूछा तो सही, मैंने जो पूछा संत को गिर पड़े एकदम, ठीक है, जवाब कुछ मिला नहीं। तोते ने सोचा ये समझते ही नहीं है, जवाब तो मिल गया, मिल गया, आदमी चला गया। तोते ने क्या किया? गिर पड़ा अंदर एकदम, क्या कहते हो, कायत्सर्ग कर लिया, श्वास भी नहीं लेता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, एकदम पक्का धार लिया। थोड़ी देर में शेठ वापिस आया, एक घर तोता तो गिर पड़ा, मर गए, क्या करना चाहिए, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, तो हिलता ही नहीं है, हाथ में लिया, हाँ तोता उड़ गया। शेठ ने कहा तोता धोखा कर दिया तुमने? बोले नहीं धोखा नहीं किया, मैंने संत की शिक्षा को स्वीकार किया है। आप लोग रोजाना व्याख्यान सुनते हो इस कान सुनते उसका निकाल देते हो, मैंने संत की शिक्षा, बोले शिक्षा तो दी नहीं, कैसे नहीं दी, साकार सक्रिय शिक्षा दी उसने। संत ने कहा कि भाई क्या पूछते हो, बंधन मुक्ति का ये रास्ता है, कायत्सर कर लो, श्वास को मंद कर लो, हिलना डुलना बंद कर लो, शिक्षा मैंने पकड़ ली, बंधन से मुक्ति हो गया। शेर साहब आप 5 जनों में बंधन मुक्त नहीं हो सकोगे, इतने बंधे हुए हो कैसे पकड़ोगे? आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बात ये अमोघ साधन, अमोघ मंत्र, अमोघ औषधि, जिस तोते को मिल गया वो बंधन में कैसे रहेगा? भाइयों आप क्यों संकोच करते हो, अकेला हूं मैं, अनुप्रत
अमोघ साधन आपके हाथ में है, अमोघ औषध आपके पास में है, अमोघ समाधान आपके पास में है, चिंता की जरूरत नहीं है, आप चलो, चलते चलो, चलते चलो, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल नहीं जाएगा, ये रास्ता रास्ता बन जाएगा। अब दूसरी बात है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान क्या करता है? वो कहता है मनुष्य को बिल्कुल श्रमिक बन के चलना पड़ेगा, ठीक से टाइम से उठो, निवृत्त होकर आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, साधना करो, श्रम करो, यह करो, वो करो, करना ही करना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात एक सिखाता है, वो क्या सिखाता है? प्रेक्षा ध्यान कहता है भाव क्रिया, नया शब्द भाव क्रिया, जो भी क्रिया करो समझते करो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है, जो क्रिया करो उसमें संलग्न हो जाओ, उसी क्रिया में संलग्न हो। खाते समय केवल खाओ ही, चलते हैं चलो ही, बोलते समय बोलो ही। इसलिए सिद्धांत वाला क्या है कि चलते समय मत बोलो, खाते समय मत हंसो, विरुद्ध बात, विरुद्ध बात है, विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। इसे प्रेक्षा ध्यान क्या क्या सिखाता है कि एकदम जो काम जिस समय करना उसी समय वही काम करो, दूसरा काम मत करो, बिल्कुल नहीं। कितनी ऊंची बात है। और प्रेक्षा ध्यान क्या सिखाता है? केवल आंख बंद करके ध्यान करना नहीं सिखाता है, ध्यान तुमको करना है, एकाग्र होना है, तो तुम्हारा खाना कैसा होना चाहिए, तुम्हारा सोना कैसा होना चाहिए, तुम्हारा हंसना रोना कैसा होना चाहिए। रोना भी एक चीज है, हंसना कोई चीज, रोना भी चीज, निकल बात नहीं है, रोना भी एक चीज है, रोना कोई डाले तो सही, डालता कौन है, आंसू बने से रोना थोड़ा ही होता है। तो जीवन की ऐसी क्रिया कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें प्रेक्षा ध्यान सिखाता है। प्रेक्षा ध्यान जीवन का सर्वांगीण सिद्धांत है, व्यापक सिद्धांत है, पूरा जीवन इससे मिलता है। किसी महापुरुष के पास में एक माता गई और जाके पूछा कि बच्चे को पढ़ाने कब भेजूं? तो बाबा ने पूछा कितने वर्ष का हो गया? कि 5 वर्ष का हो गया। बाबा बोला तुम लेट हो गई, जन्म से पहले ही भेजना चाहिए था। 5 वर्ष लेट हो गए, अब कैसे कर रहे हो? समझे नहीं, गर्भावस्था में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। माँ अपने बच्चे को गर्भावस्था में पढ़ाए, कैसे पढ़ाए? माँ कैसे चले, माँ कैसे बोले, माँ कैसे खाए, कितने स्वस्थ है, ये सारी की सारी बच्चे में बड़ी संक्रांत हो जाती है। कौन आज की माएँ जानती है बच्चों को पढ़ाना? इसलिए ये परीक्षा का सिद्धांत है, ये वास्तव में सिद्धांत है। मानने वाले माने, आदमी की आँख खुलती तो है, बहुत जल्दी बंद हो जाती है वापिस से, खुलती तो है। आवश्यकता इस बात की है कि अरे और भी तुम कम से कम मनुष्य बन के जीना सीखे। मनुष्य बन के जीना सीखने का मतलब इतना ही है, आप किसी को सुखी न बनाओ तो कम से कम दुखी मत बनाओ, किसी को जिला नहीं सकते तो किसी को मारो मत, किसी को संपन्न नहीं बना सकते तो छीनो मत, किसी को लूटो मत। कैसे गहरे सिद्धांत है, कितने सहज सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को भी मनुष्य अब तक नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया है, तो बड़ा दिल में दर्द होता है कि इतनी इतनी एक अमृत किसी वृष्टि हुई है और उसके होते हुए मनुष्य जहर पी रहा है, जहर पी रहा है, पता नहीं क्या होगा। अहिंसा की चर्चा अहिंसा की बात है, किंतु वास्तव में लगता है ऐसा कि तत्वों को समझते कौन, समझे बिना ठीक नहीं होता है। बात कही किसी दृष्टि से जाती है और मनुष्य समझता किसी दृष्टि से है। अकबर का एक दूत ईरान के बादशाह के पास में गया, जाके और उसने सलाम की, सलाम करके बोला बादशाह साहब आप पूनम के चांद जैसे हैं और हमारे अकबर तो दूध के चांद है। बादशाह बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, अपने अकबर को तो दूध का चांद बताया और मुझे बताया है पूनम का चांद। बड़ी बात खेली,
कि अकबर का दूत कितना अच्छा है, उसने अपने बादशाह से भी हमारे बादशाह को बहुत ऊंचा बता दिया। जब वापस गया तो ये बात अकबर ने सुनी, नाराज हो गया, राजदूत भूल जाते हो और अपने यहाँ की बादशाह की तुम खिल्ली उड़ाते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या किया तुमने, कहा क्या तुमने, क्या कहा तुमने, कहा ईरान का बादशाह पूनम, पूनम की जान जैसा कहा, और मुझे दूध की जान जैसा। खान साहब आपने समझा नहीं, मैंने कहा तो ठीक है किंतु पूनम का चांद अस्तंग अस्त की तरह हो रहा है, खत्म होता है, दूध का चांद बढ़ता है, दूध के चांद को बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, पूनम के चांद को गुंजाइश समाप्त है। कोई चिंता की बहुत सारे कहा ऐसे, यह कहा तुम तो बहुत बढ़िया कहा, बात को समझना बड़ा मुश्किल है, कोस कौन बात किस समय किस लहजे से कही जा सकती है, किस दृष्टि से कही जा सकती है, समझता नहीं। समाज को स्वस्थ रहना है, आज कल परसों कभी न कभी मनुष्य को अहिंसा रास्ते पर आना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ आज जितने कॉलेज आज शिक्षणालय आज विद्यालय आज सब आज बच्चों को पढ़ाए जाते हैं आज तैयार किया जाता है आज और उनके पीछे आज आज अंग्रेजी से भी आज जोड़ दिए जाते हैं आज 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 इतनी मातृशी को आज प्रसन्नता नहीं होती। मुझे प्रसन्नता तब हो कि जहां मेरा नाम जुड़े वहां एक तो दृष्टि स्पष्ट रहे, क्या कि यहां का सारा काम प्रामाणिकता से होगा। अणुव्रत की बात हमने कही, अणुव्रत का लंघन करके वहां कोई काम नहीं होगा, एक तो ये दृष्टि रहे। दूसरी दृष्टि, बच्चों को शिक्षा देना है तो बच्चों का जीवन बनना चाहिए, बच्चों के जीवन में प्रारंभ से ही जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान का सघन प्रशिक्षण मिले और वहां के निकले बच्चे एक पहचान बने, उदाहरण बने, कुछ पुलिस के अफसर मिले हमको मिले। अपनी व्यवस्था में हमारे साथ आए थे वो व्यवस्था के लिए, तो हमने बिहार किया जाता तो हमें सड़क पर साथ साथ हो गए, तो उनमें से एक दो व्यक्ति बोले आचार्य जी आप हमको जानते हैं क्या, कि नहीं आपको कैसे रखते, एक सिख सिख की वर्दी है पता चलता नहीं कौन आप, पर आप भूल गए हमको कहाँ, हम वे ही हैं राजस्थान पुलिस एकेडमी में आपने शिविर लगाया था, दो सप्ताह का शिविर परीक्षा ध्यान शिविर, हम लोग सब उसमें थे। अच्छा अब ठीक, हाँ तो आप क्या कहना चाहते हैं, आचार्य जी बात यह बनी कि हम लोगों ने जो वहाँ रह के शिक्षण प्राप्त किया है हमारी स्थिति बदल गई है, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब के सवाल का सवाल नहीं है, चाय तक नहीं पीते हम लोग, चाय नहीं पीते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने छोटा सा कल पद सुनाया, छोटा सा दीसत के धाकड़े बने बनाए बुधाकड़े, चाल चलते इथला करे पर चाकर बने चाय किए, दीसत के धाकड़े बड़ा धाकड़ा आदमी धाकड़े और बनाए बनाए बुधाकड़े बुधकड़े बड़े बड़े चाल चलते इथला करे किंतु चाकर बने चाय। उन्होंने कहा क्या हम चाय तक नहीं पीते, फिर क्या हुआ, उन्होंने बड़ी गर्व के साथ में कहा कि आचार्य जी हमारी पहचान अलग हो गई, पहचान कहिए भाई ये पुलिस अकेडमी में रहे हुए हैं इसलिए इनकी पहचान अलग हो गई, बड़ा मन में संतोष हुआ। तो ये बात ऐसी है कि इसलिए पहचान हो जाएगी, वहां का पड़ा हुआ है ये विद्यार्थी वहां का पड़ा हुआ है, नई पहचान तैयार करना पड़ेगा, जनवेश भारती के माध्यम से परीक्षा ध्यान के माध्यम से अनुबंध के माध्यम से इन स्कूलों में इन कॉलेजों में इन महाविद्यालयों में ऐसी कोई चीज़ें बने
जिस संसार के सामने उदाहरण पेश हो, वहाँ तब तब मुझे प्रसन्नता होगी, तब मेरा नाम लगे न लगे, रहे न रहे, किन काम ऐसा हो।